मैं मनजीत कौर स्वागत करनी है तुहाडा सारिआं दा पंजाबी कुकिंग चैनल दे विच। मेरे वल्लों सारिआं नूं प्यार भरी सति श्री अकाल। अज आपां आलू दे कबाब बना के तैयार करांगे। तुसीं इहनूं आलू दीआं टिक्कियां भी कह सकदे हो, आलू दे कबाब भी कह सकदे हो। टिक्कियां दे विच देखो जिहड़ी आपां सिर्फ आलू पाउंदे आ जां छोलिआं दी दाल पा के बनाउंदे आ, कबाब दे विच हुंदा कि असीं सब्जियां भी पा सकदे आ अपनी पसंद दीआं, जिवें शिमला मिर्च भी पा सकते, प्याज पा सकते हैं। मैं इहदे विच शिमला मिर्च ते प्याज दा ही इस्तेमाल कीता है। बाकी तुसीं गाजर पानी चाहो जां हरे मटर पा भी सकते हो। हरे मटर जे तुसी पाने आ ते हरे मटर नूं थोड़ा जिहा बॉयल करके उबाल के ते उस तों बाद थोड़ा जिहा उहनां नूं दरदरा कुट लैणा आ, फिर पाणा आ। ते इहदे वास्ते जिहड़े आपां आलू लए आ, आलू जिहड़े आपां कद्दूकस करके तैयार करने आ, आलूआं नूं उबाल के उहनां नूं छिल लैणा आ। छिलण तों बाद उहनां नूं घट्टो घट अद्धा कु घंटा तुसीं इहनूं फ्रीजर दे विच रख देणा आ, ताकि चंगी तरह आलू जिहड़े आ ठंडे हो जाणे चाहीदे आ। जदे तुसीं टिक्कियां बनाओ तां वी आलूआं नूं चंगी तरह ठंडे करके फिर टिक्कियां बनाओ। जे कबाब बनाउंदे हो जां आलू दे कोई भी स्नैक्स बनाउंदे हो, उहदे विच तुसीं आलू नूं ठंडा करके फिर बनाओगे, फिर ज्यादा वधिया बन के तैयार हुंदे आ। हुण आपां इहदे वास्ते आलू, चार पांच आलू मैं उबले हुए लए आ, इहनां नूं आपां कद्दूकस कर लैणा। कद्दूकस भी कर सकदे हो जां वैसे तुसीं उहनां नूं ਫੇਂ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਟੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਦੂਕਸ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋ ਪਲੇ ਆ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਲਈਆਂ ਆ। ਬ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਬ੍ਰੈਡ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦਰਦਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਆਪਾਂ ਪੀਸ ਲੀਆਂ। इस तरीके दे नाल ही इहनूं थोड़ा जिहा इदां मोटा रखना आ, बहुत ज़्यादा इहनूं बरीक इहदा पाउडर नहीं बनाउणा। इहदे विचों अद्धी ब्रैड जिहड़ी आपां पीसी हुई है आलूआं 'च पा लैणी आ, अद्धी जिहड़ी आपां रख लैणी आ। इस तों इलावा आपां लिया एक प्याज। प्याज देखो जिहड़ा बिल्कुल बरीक कट के लैणा आ, प्याज पा दांगे। एक शिमला मिर्च लई आ, शिमला मिर्च भी बिल्कुल बरीक कट्टी आ। गाजर भी पा सकते हो तुसीं नाल, इहदे हरा धनिया भी पा दांगे। लून देखो जिहड़ा आ तुसीं अपने स्वाद दे हिसाब नाल पाउणा आ। मैं एक चमचा जिहड़ा आ इहदे च लून दा पाउणा आ। अद्धा चमचा पावांगे चाट मसाले दा। अद्धा क चमचा जिहड़ा आ असीं पाउणा आ हल्दी दा। अद्धा चमचा पावांगे लाल मिर्च। अद्धा चमचा पावांगे गरम मसाले दा। थोड़ी जी आपां कुट्टी हुई जिहड़ी काली मिर्च आ उह पाउणी आ, ज़्यादा नहीं पाई, एक चौथा हिस्सा जिहड़ा मैं पाया आ। एक आपां नींबू लिया आ। नींबू जे तुसीं चाट मसाला नहीं पाते तो फिर तुसीं दो नींबू पा सकते हो। जे चाट मसाला पाया आ फिर एक नींबू बहुत। चार लईआं हरियां मिर्चां, मिर्चां पा देंगे। मिर्च देखो जिहड़ी आ तुसीं अपने स्वाद दे हिसाब नाल पाउणी आ, जिन्नी कि तुसीं पसंद करदे हो। सारियां चीज़ां जिहड़ियां आपां हत्थ नाल मिला लैणियां। थोड़ा जिहा जिहड़ा आपां ब्रैड क्रम्स जिहड़े आ होर पाउणे आ, इह तुसीं अपने हिसाब नाल देख लैणा। जे लगे तुहानूं कि पाउण दी जरूरत आ फिर तुसीं पा सकदे हो। आलू साढ़े तैयार आ। हुण आपां इक कौली दे विच दो चमचे मैदे दे लैणे आ। इहदे विच पावांगे असीं थोड़ा जिहा लून, एक चौथा कि हिस्सा चमचे दा लून जिहड़ा पाउणा आ, ते थोड़ी जी आपां पाउणी आ काली मिर्च।
इनू मिला के इहदे च आपां पाणी पा के इक पतला घोल तैयार कर लेना है। इन्ना पतला देखो आपां इनू तैयार करना है। हुण इहदियां टिक्कियां जिहड़ियां है आपां उह तैयार करनी आ। थोड़ा जिहा हाथ दे उत्ते घिओ जां तेल कुछ भी इदां ला लेना है। टिक्की जिन्नी कि तुसीं वड्डी बनाउणी आ उहदे हिसाब नाल लै लेना पैणा। आपां बहुत ज़्यादा वड्डी ना वड्डी बनावांगे ना बहुत ज़्यादा छोटी। ऐदा हाथ दे नाल इहनू साइडां तों सैट कर लेना। आ देखो सारे कबाब देखो जिहड़े आ साडे बण के तैयार आ। हुण इहनां नूं असीं फ्राई करना है। देखो इहनां नूं तुसीं तल भी सकदे हो, जे नहीं तलना चाहते तां तुसीं इहनां नूं शैलो फ्राई भी कर सकदे हो। मैं इहनां नूं शैलो फ्राई करना है, तलना नहीं है। मैदे दा घोल जिहड़ा इदां इक वारी आपां हिला लैणा है। ये वेच चंगी तरह इदा डुबो लेना है। आ देखो कबाब देखो जिहड़े साडे तैयार आ। इन्हां नूं देखो जे तुसीं स्टोर करके रखना चाहुंदे हो तां इहनूं तुसीं किसे वी एयर टाइट डब्बे दे विच पा के फ्रिज दे विच रख सकदे हो। जे घर दे विच कोई फंक्शन होवे तां जदों तुसीं इहनां नूं फ्राई करना आ उस टाइम तुसीं इहनां नूं कढ के फ्रिज चों फ्राई कर सकदे हो। मैं इहनां नूं तवे ते फ्राई करन लगी आ। जे तुसीं इहनां नूं तलदे हो तां तुसीं कढ़ाई दे विच तेल पा के तल लेना। ते तेल वी जिहड़ा आ बहुत ज़्यादा नहीं पाउणा, मतलब इन्ना कु पाउणा आ कि टिक्की जिहड़ी आ जिहड़ी आपां बनाई आ कबाब जिहड़े बनाए आ उह बस उहदे च डुब जाण। इस तों ज़्यादा नहीं तेल होना चाहीदा। इहनूं मैं सरों दे तेल च बनाउण लगी आ। सरों दा तेल जिहड़ा चंगी तरह गर्म करके इहदी कुड़त्तन जिहड़ी आ कढ के इहनूं ठंडा कर लिया। तेल नूं आपां थोड़ा जिहा गर्म होण देणा आ। ते जदों भी तुसीं ब्रैड क्रम्स ला के कोई भी स्नैक्स बनाउंदे हो तां ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਸੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਕ੍ਰਮਸ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੇਤੀ ਸੇਕ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਿਕਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀ ਨੂੰ ਹੀ ਛੇੜ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਸੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਣਾ ਦੇਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਪਲਟਾਂਗੇ। थोड़ा थोड़ा तेल जिहड़ा है इहदा उपर पा लेना, इहदे साइडां भी फिर इहदियां सिक जाऊगियां। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਰਮ ਬਣਦੇ ਆ।
कबाब जिहड़े आ साडे तैयार आ बण चकन टाइम इन थोड़ा जिहा ध्यान नाल चकना है क्योंकि काफी ज्यादा नरम बने होंगे। आलू के कबाब साढ़े बन के तैयार आ, कबाब जिहड़े बहुत वधिया बन के तैयार होए आ। जो तुसी आलूआं दे विच ब्रैड क्रम्स मिलाने आ उस तो बाद एक बार टिक्की बना के देख लेनी है, जे तुहानूं लगेगी थोड़ी जी टुटदी पई आ नहीं सही तरीके नाल बनदी, जां तां तुसी उहदे विच ब्रैड क्रम्स होर मिला सकते हो जां तुसी एक जां दो चमचे बेसन दे जिहड़े आ उह वी मिला सकते हो। उस तो बाद जदों इहनां नूं तुसी तलना आ, तलन टाइम थोड़ा जिहा ध्यान नाल चकना है क्योंकि कबाब जिहड़े बहुत ज्यादा नरम बनते आ, ते जे इहनां नूं थोड़े जे भी कच्चे होण जां सेक चंगी तरह ना लगे होवे तां फिर टुट सकदे आ। इन्हां नूं आपां हरी चटनी ते लाल चटनी दे नाल सर्व कीता आ, दोनों चटनियां दी जिहड़ी वीडियो आ चैनल ते पाई हुई आ उहनां दे लिंक जिहड़े आ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दे दूंगी। इसे तरीके दे नाल तुसीं इहनूं बना के खाइओ। वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर करिया करो। चैनल ते पहली वारी आके वीडियो देखदे पए हो तां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करके जाइओ, नाल ही घंटी दा बटन दबाया करो अगली नोटिफिकेशन देखण दे लई। वीडियो देखण लई बहुत बहुत धन्यवाद।